नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी, स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम करंट अफेयर्स के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्बी ऑंगलोंग समझौते का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, भूटान तथा भारत के मध्य जल विद्युत परियोजना समझौता नहीं, बांग्लादेश तथा मेघालय राज्य के मध्य जल विद्युत परियोजना समझौता ये भी नहीं, पूर्वोत्तर भारत में रेल मार्ग निर्माण समझौता ये भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, पूर्वोत्तर भारत में असम और उग्रवादी समूहों के बीच समझौता। देखिए, पूर्वोत्तर भारत में एक आपका असम और जो आपके उग्रवादी समूह हैं उनके बीच में ये समझौता जो हुआ है वो आपका हो गया कर्बी ऑंगलोंग समझौता। अब इसमें कौन थे ये देख लीजिए आप, इसमें आपके एक तो असम के CM, दूसरे गृह मंत्री अमित शाह और तीसरे आपके जो असम में जो पांच उग्रवादी समूह हैं उनके हेड, ठीक है, इन लोगों ने समझौता किया। उसके अलावा एक चीज़ और देख लीजिए कि कर्बी ऑंगलोंग है जो, ये एक मध्य असम का डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है, ठीक है, याद रखिएगा, अलग से भी पूछा जा सकता है। कर्बी ऑंगलोंग क्या है? मध्य असम का डोमिनेंट एथनिक ग्रुप। अगला देखिए, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन सर्वेक्षण 2021 ग्रामीण के अंतर्गत सब आइकॉनिक स्थलों की घोषणा में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल शामिल है? काशी विश्वनाथ का मंदिर, बांके बिहारी का मंदिर, आगरा का किला या इमामबाड़ा। तो आंसर हो जाएगा बांके बिहारी का मंदिर मथुरा और आगरा का किला आगरा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि बी आंसर है इसमें। तो अभी याद क्या रखना है कि देश में टोटल कितने हो गए, ये हो गए 12 आइकॉनिक स्थल हैं जो चुने गए हैं, ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के संबंध में कौन सा असत्य है? ठीक है, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यह योजना के इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन का वितरण किया जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत कम आय वाले उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिन्हें पहले चरण में लाभ नहीं दिया जा सका है, ठीक, ये भी सही है। जो गलत है वो ये है आपका, तो आंसर यही हो जाएगा कि इस योजना का शुभारंभ 26 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से किया, ये पार्ट गलत हो गया, ठीक है। क्या है आंसर इसका? 10 अगस्त 2021 महोबा, ठीक है, महोबा से, ये गलत हो गया, बाकी तीनों सही है, याद रखिएगा बाकी तीनों भी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसको लद्दाख का राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया गया है? हिम तेंदुआ, हिम भालू, सफेद गर्दन वाला सारस या फिर काले गर्दन वाला सारस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4, यानी ए आंसर, यानी कि हिम तेंदुआ और काले गर्दन वाला सारस, ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। अगला देखिए, हाल ही में जारी आयशे सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में सर्वाधिक नामांकन में प्रथम स्थल पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश, ये वाला, ठीक है। तो आपके सीक्वेंस भी देख लीजिए इसका, उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है और फिर उसके बाद तमिल, तीन याद रखिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, आंसर डी। अगला देखें, SDG भारत सूचकांक 2020-21 में क्रमशः प्रथम और अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? केरल, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार, आपका हिमाचल प्रदेश और झारखंड और केरल और बिहार। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, केरल को फर्स्ट और लास्ट है आपका बिहार, ठीक, डी आंसर। अगला देखिए, वर्ष 2021 में अप्रैल मई माह में किन राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं? तो केरल में हुए हैं, असम में हुए हैं, पश्चिम बंगाल में भी हुए हैं, तमिलनाडु में भी हुए हैं, इसके अलावा एक और याद रख लीजिए कि पुडुचेरी में भी हुए हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, हाल ही में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल आमबोली ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है या छत्तीसगढ़ में है? आंसर है इसका महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में भी आप याद रख लीजिए सिंधुदुर्ग, ठीक है, सिंधुदुर्ग,
जिले में पश्चिमी घाट क्षेत्र में यह स्थित है और यहाँ पर सिस्टूरा हिरण्यकेशी नामक एक दुर्लभ मृदुजल मछली है जो उसकी खोज की गई है। ठीक है, और ये मछली है जो कहाँ पे मिलती है, हिरण्यकेशी एक नदी का नाम है, हिरण्यकेशी नामक नदी में मिलती है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। अगला देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट द रेट 75 से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, यह भारत की स्वतंत्रता की 75th वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला, ये अलग से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। ठीक है, और इस कार्यक्रम का शुभारंभ 15 अगस्त 2021 को हुआ है, ये गलत हो गया क्योंकि शुभारंभ जो हुआ है वो हुआ है 12 मार्च 2021 को। ठीक है, कुछ डेट्स भी हैं जो याद रखनी होती है, यह है 12 मार्च 2021। ठीक है, यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा, बिल्कुल सही है, और इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय मुख्य सहयोगी की भूमिका में है। ठीक, ये भी बात सही है, तो पहला, तीसरा और चौथा ये सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, रतले पनबिजली परियोजना है जो, ये भारत में कहाँ है, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में या उत्तराखंड में, तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो किश्तवाड़ जिला है वहां पर चेनाब नदी, ठीक है, चेनाब नदी पर स्थित है और क्षमता, और याद रख लीजिए इसकी जो क्षमता है वो है 850 मेगावाट की। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और, किसका निर्माण किसने किया है, निर्माण कौन कर रहा है, ये है NHPC एंड JKPDC, ठीक है, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, नीति आयोग के द्वारा जारी की है हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक 2020 में, इसमें टॉप किसने किया है, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने या तेलंगाना ने, तो आंसर है इसका ए, कर्नाटक ने। ठीक है, स्कोर कितना रहा है इसका, 42.58, महाराष्ट्र है जो वो आपका सेकेंड नंबर पर है, तमिलनाडु है आपका थर्ड नंबर पर और तेलंगाना है आपका फोर्थ नंबर पर, अगर अरेंज करवाए तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 है जो, उससे संबंधित कौन से कथन सत्य है, देखिए सत्य वाला बताना है। ठीक है, PMKY 3.0 है जो, ये आप इसके अंतर्गत 2021 में 12 लाख युवाएं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, गलत हो गया क्योंकि 8 लाख युवाओं को दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, इस योजना में राज्य घटक के माध्यम से राज्य कौशल समितियों के द्वारा राज्य सरकार की अधिक भूमिका सुनिश्चित की गई, ये तो 2.0 में था। ठीक है, यहाँ पर 3.0 पूछा है। ठीक है, तो 3.0 में क्या है कि जिला प्राधिकरण और जिला कौशल समिति पर मुख्य फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और तीसरा देखिए, 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया है, ये पार्ट भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो डेट होगी वो होगी 15 जनवरी ना कि अगस्त। ठीक है, 15 जनवरी 2021, ठीक है, ये डेट भी आप याद रखिएगा। और ये वाला पार्ट सही है कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य के घटकों का 75:25 का रेशियो में खर्च करेंगे, ठीक है, व्यय किया जाएगा। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित नहीं है, ठीक है, नहीं है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, रामनाथपुरम थूथुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन या डोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, तो आंसर हो जाएगा बी, रामनाथपुरम थूथुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये है जो, ये थूथुकुड़ी के पास है, कहाँ पर है, थूथुकुड़ी के पास, थूथुकुड़ी, ठीक है, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, थूथुकुड़ी के पास में है और ये पाइपलाइन है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है IOC जिसको कहते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, और बाकी सारी हैं जो वो गेल की हैं, ठीक है, गेल की हैं ये सब, तो कोच्ची मैंगलोर है जो वो जनवरी 2021 में इसका उद्घाटन हुआ था, कौन सी, कोच्ची मैंगलोर वाली है ना, जनवरी 2021 में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। उसके बाद रामनाथ थूथुकुड़ी वाली है, ये फरवरी 2021 में है, फेब 2021 में, ठीक है, और डोबी दुर्गापुर है जो, ये भी फेब 2021 में, ठीक है, डोबी कहाँ पर है, डोबी आपका बिहार में है, ठीक है, और दुर्गापुर आपका बंगाल में है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, आगरा मेट्रो परियोजना के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इस परियोजना के अंतर्गत 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा जिनकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी। ठीक, सही स्टेटमेंट है, और इस परियोजना का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति योजना से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? यह इस योजना
का आरंभ है जो वो कहां से, बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्तिपीठ से 17 अक्टूबर 2020 को किया गया। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, बेटियों और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा तथा स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। ठीक है, दोनों पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, अभी जो रिसेंटली लॉन्च की गई है राष्ट्रीय लोक सेवक क्षमता विकास, है ना, क्षमता, दक्षता, गुणवत्ता, नवाचार में सुधार, ये सब इससे संबंधित है। तो ये पूछा है कि किससे संबंधित है, ये प्रसन्नता रिपोर्ट से है, कर्मयोगी से है, अमृत महोत्सव से है, या युवा प्रधानमंत्री योजना से। तो आंसर हो जाएगा मिशन कर्मयोगी, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान, ठीक है, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, आएगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए 102, 103, 104 या 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आंसर है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि आपका जो राज्यों को ये पावर्स दे दी गई है कि वो अपने राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी पहचान कर सकेंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखिए कि 127th बिल था ये, जो बिल का नंबर अगर पूछा जाए तो 127वें नंबर का संशोधन विधेयक था ये। ठीक है, और 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो इस वाले 2018 वाला, इसके तहत ये जो पावर थी वो सिर्फ राष्ट्रपति को दे दिया गया था। ठीक है, ये भी आप इसी से रिलेटेड है तो याद रखिएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला देखिए, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है, सिविल अदालत को, जिला मजिस्ट्रेट को, जिला समाज कल्याण अधिकारी को, या अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति को। ठीक है, जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, उसमें से किसको ऑथराइज किया गया है अडॉप्शन ऑर्डर्स देने के लिए, वो किया गया है जिला मजिस्ट्रेट को। ठीक है, बी आंसर। अगला देखिए, सितंबर 2021 में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय समिट है जो, वो कहाँ पर आयोजित हुई है, सिडनी में, मेलबर्न में, न्यू दिल्ली में, या डार्विन में। तो आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। ठीक है, 2+2 का मतलब हो गया रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देशों के। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद भारत ने काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन महिमा शक्ति, ऑपरेशन बुद्ध शक्ति, या ऑपरेशन महाशक्ति। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेशन देवी शक्ति, ए आंसर। अगला देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत वाला पूछा है। इस सूचकांक में स्वीडन लगातार 11 वर्ष से प्रथम स्थान पर है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्वीडन तो अभी सेकेंड नंबर पर है, फर्स्ट है जो वो है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। और इस सूचकांक में अंगोला 132वीं रैंक के साथ अंतिम स्थान पर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इस सूचकांक में भारत की रैंक 46 है, ये भी सही है, याद रखिएगा। और इस सूचकांक में 12वीं रैंक के साथ ब्रिक्स देशों में चीन उच्चतम स्थान पर है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सारे सही है, ये अलग गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, IPCC की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 2021 के अनुसार यदि कार्बन उत्सर्जन को अभी शीघ्र ही नहीं रोका गया तो आपका वर्ष 2100 तक पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना बढ़ जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस, 4.5 डिग्री सेल्सियस, 5.7 डिग्री सेल्सियस, या 10 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा 5.7 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, आइसलैंड प्रथम स्थान के साथ विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। ठीक, आइसलैंड सही है। और दूसरा देखिए, अफगानिस्तान है जो वो आपका विश्व का सर्वाधिक अशांत देश है, ये भी सही है। और यहाँ पे नहीं वाला बताना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलत वाला बताना है। 163rd देशों की सूची में भारत का स्थान 135वां है, ये भी सही है। और दक्षिण एशिया में नेपाल सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है, ये वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि भूटान है सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश, रैंक है 22। ठीक है, 22 किसकी, भूटान। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। देखिए, विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, ठीक है, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ट्रेंड रिपोर्ट है, उसके अनुसार इस रिपोर्ट में ये है, आपकी जो सिप्री है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो वो इसको जारी करता है, कौन जारी करता है, सिप्री। ठीक, उसके बाद 2020 में सर्वाधिक सैन्य व अमेरिका ने किया था, जो व्यय है वो अमेरिका ने किया था। और 2020 में भारत का सैन्य व्यय सकल
घरेलू उत्पाद का 2.9% रहा। तीनों पार्ट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, मृत्यु दंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। देखिए एक तो यही क्वेश्चन हो गया कि मृत्यु दंड पर कौन देता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। इसकी रिपोर्ट जो अभी आई है उसमें से देख लीजिए, इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 18 देशों द्वारा मृत्यु दंड की सजा क्रियान्वित की गई है, सही है, और 2020 में भारत में 77 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, ठीक है। डेटा है, फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है, आंसर सी। अगला देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। इस सूचकांक में नॉर्वे लगातार 5वीं बार शीर्ष पर रहा है, सही है, और इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 142 ना कि 130, तो गलत हो गया। और यह रिपोर्ट कौन देता है, एक एनजीओ है, क्या नाम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो ये पार्ट भी आपका सही है, तो 1 और 3 इज करेक्ट, यानी सी आंसर। अगला देखिए, वर्ष 2021 में टाइम 100 की जो सूची है उसमें किन भारतीयों को स्थान प्राप्त हुआ है। नरेंद्र मोदी को हुआ है, ममता बनर्जी को हुआ है, अदर पूनावाला को हुआ है, लेकिन मजूमदार को नहीं हुआ है। आंसर जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। इसमें अगर कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मुख्य पेज पे जो कवर पेज है उसका, उसमें कौन किसको स्थान मिला है, तो प्रिंस हेनरी एंड मेगन को मिला है, ठीक है, प्रिंस हेनरी और मेगन को, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में संपन्न हुई त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी ऑकुस, ठीक है, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए भी है, और भारत नहीं है लेकिन इसमें, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, भारत। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को बांधों की संख्या के संदर्भ में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को, चीन को, यूएसए को, या मिश्र को, इजिप्ट यानी कि, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका चीन, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का इसमें कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, ठीक है, कितने हैं, 5334, ठीक है, और चाइना हो जाएगा सेकेंड नंबर पर, आपका यूएसए हो जाएगा, चाइना, फिर यूएसए और फिर इंडिया, ठीक है, सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा, आंसर बी। अगला देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में सर्वोच्च स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है, प्रसन्नता रिपोर्ट में, ठीक है, सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है, आपका स्वीडन रहता है, नॉर्वे रहता है, फिनलैंड रहता है, या स्विट्जरलैंड रहता है, तो फिनलैंड है जो उसको लगातार 4थी बार प्रथम है वो, ठीक है, 4th टाइम, ठीक है, लगातार। और भारत का स्थान कितना है इसमें, भारत का स्थान है 139, ठीक है, और अफगानिस्तान है जो, अफगानिस्तान का है 149, ठीक है, सबसे ज्यादा दुखी देश कौन सा है, अफगानिस्तान। और टॉप 10 में अगर देखा जाए तो कोई भी एशियाई देश इसमें नहीं है, ठीक है, प्रसन्नता में कोई भी एशियाई देश प्रसन्न ही नहीं है टॉप 10 में, ठीक है, सी आंसर। अगला देखिए, वर्ष 2016 से 2020 की अवधि में विश्व के सबसे बड़े हथियार निर्यातक और हथियार आयातक देशों का युग्म कौन सा है, रूस, चीन, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, रूस, भारत, या अमेरिका, चीन, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, अमेरिका और सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब देखिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निर्यातकों को आप लगा दीजिए क्रम से, ठीक है, तो निर्यातकों को सबसे ज्यादा कौन है, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद रूस हो जाएगा, ठीक है, रशिया, उसके बाद आपका फ्रांस हो जाएगा, उसके बाद आपका जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। अगर आयातक की बात करें, ठीक है, तो आयातक के केस में सबसे ऊपर आपका सऊदी अरब आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका इंडिया आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका इजिप्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा, ठीक है, दोनों का सीक्वेंस। अगला देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, गलत वाला आपको बताना है। देखिए, इस सूचकांक में 178 स्थान पर उत्तर कोरिया विश्व का सबसे कम स्वतंत्र देश है, ठीक, सही स्टेटमेंट है, और इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 121 है, ये भी सही है, और इस सूचकांक का प्रकाशन वॉशिंगटन डीसी स्थित द हेरिटेज फाउंडेशन नामक थिंक टैंक द्वारा किया जाता है, ये पार्ट भी सही है, गलत वाला इसमें पूछा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस सूचकांक में हांगकांग प्रथम स्थान के साथ विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, ये पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हांगकांग की जगह सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। और एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि इससे पहले हांगकांग है जो, वो लगातार 24 वर्षों से 2020 तक प्रथम स्थान पर रहता था, ठीक है, तो ए आंसर। अगला देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है, ठीक, सही है। और दूसरा देखिए, सोमालिया और आपका दक्षिण सूडान है जो, ये संयुक्त रूप से निचले 179 स्थान पर है, ये पार्ट भी आपका सही है। उसके बाद तीसरा देखिए, 2020 में 180 देशों की इस रिपोर्ट में गत वर्ष की तुलना में 6 अंकों की गिरावट के साथ भारत
86th पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये पार्ट है जो ये भी आपका सही है, ठीक है, तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा। 2019 में अगर वो पूछ लेता है, मान लीजिए है ना, 2019 में भारत की रैंक किसमें 80 थी, ठीक है, अभी कितनी है 86th। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोहिबिट करती है, रोकती है, नाम क्या है इसका, UNTPNW, ठीक है, UNTPNW है जो ये कब आई है, 22 जनवरी 2021 को फोर्स में आई, ठीक। तो ये पार्ट आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए आप कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसके जो 86 सिग्नेटरी हैं, 86 लोग हैं साइन करने वाले, उसमें ये इसमें नहीं है इंक्लूड, ठीक, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया। तो दो लोगों को किया गया, एलन मस्क को, जो बाइडन को, कमला हैरिस को या जेफ बेजोस को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका जो बाइडन और आपके कमला हैरिस, ठीक है। तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश IMF का 190वां राष्ट्र बन गया अभी। तो आंसर हो जाएगा एंडोरा, ठीक है, 190वां, ये भी याद रखिएगा। और ये है कहाँ पर, फ्रांस और स्पेन, ये भी पूछ सकता है, ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ये, ठीक है, और ये EU का सदस्य नहीं है, यूरोपियन यूनियन है जो, उसका सदस्य नहीं है, और यूरो है जो, यूरो यहाँ की जो है वो मुद्रा है, ठीक है, यूरो मुद्रा को प्रयोग करता है, लेकिन ये EU का सदस्य नहीं है, फ्रांस और आपका जो स्पेन है उसके बीच में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, एंडोरा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 21वां जो शंघाई सहयोग संगठन मतलब SCO है जो, उसकी समिट है जो, वो कहाँ पर हुई है, उज्बेकिस्तान में, ठीक। तो ये वाला पार्ट है जो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी समिट है दुशांबे तजाकिस्तान में हुई है, कहाँ पर, दुशांबे तजिकिस्तान, ताजिकिस्तान में, ठीक है। और 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2020 में रूस में किया गया। तो ये पार्ट भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है, भारत नई दिल्ली में, आंसर डी, दोनों गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और सम्मेलन सही सुमेलित है। 6ठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 2021 सिंगापुर में, गलत हो गया, क्योंकि ये आपका रस्केन आइलैंड व्लादिवोस्तोक रशिया में, ठीक है, रशिया में। और क्वाड्स लीडर्स का पहला शिखर सम्मेलन कर्बिस बे कार्नवाल यूनाइटेड किंगडम में है, ये पार्ट भी आपका गलत हो गया, क्योंकि क्वाड का वॉशिंगटन DC में, ठीक। उसके बाद 47th G7 समिट जो हुई है वो रस्केन आइलैंड रूस में हुई, ये पार्ट भी गलत हो गया, क्योंकि ये हुआ है यहाँ पर कर्बिस बे कार्निवल यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और जो आपका 9वां मंत्री स्तरीय हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन, ठीक है, नाम ही है ये पूरा, 9वां मंत्री स्तरीय हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन, ये हुआ है दुशांबे तजिकिस्तान में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आप, ये वाला पार्ट है जो, ये सही सुमेलित है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अगस्त 2021 में अमतुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, सीरिया के, ईरान के, मिस्र के या सऊदी अरब के, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर UPPC पूछ लेता है, आंसर है इसका ईरान, ठीक है। रईसी ने 8वें राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी का स्थान लिया है, किसका, हसन रूहानी का, ठीक है, हसन रूहानी का स्थान लिया है इन्होंने, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ईरान। अगला देखिए, वर्ष 2021 में काजा कल्लास किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है, एस्टोनिया, पोलैंड, लिथुआनिया या स्वीडन। तो आंसर हो जाएगा एस्टोनिया, ठीक है। अभी देखिए, एस्टोनिया इकलौता पूरे विश्व का ऐसा देश है जिसमें कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और PM दोनों ही कौन है, फीमेल्स हैं, ठीक है। तो PM तो कौन हो गई आपकी, काजा कल्लास, और राष्ट्रपति की बात करें तो वो है आपकी केस्ट्री कुल जुलैद, ठीक है, केस्ट्री कल जुलैद, ठीक है, आंसर ए। अगला देखिए, हाल ही में हुए निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गार में से कौन सही सुमेलित है, फुकुतोकु ओकानाओ ज्वालामुखी जापान का है, ठीक है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया जावा द्वीप का है, यहाँ पर हुआ है, मतलब माउंट सिनेबाग है जो इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप में हुआ है, और पावलोक ज्वालामुखी है जो ये अलास्का और USA के पास, ठीक है, यहाँ पर हुआ है, ठीक। तो सभी सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस सागर में सी स्नॉट का प्रकोप देखा। सी स्नॉट एक तरह से समुद्री लावा आप मान लीजिए, क्या है कि ये जो आपके शैवाल होते हैं, ठीक है, उस शैवालों का में जो पोषक तत्व होते हैं उसी से ये बन जाता है, ठीक है। और क्षमता क्या है इसमें कि ये डीप में जा करके जो सतह होता है उस पार्ट को क्या है, कवर कर सकता है, ठीक है, ढक सकता है।
तो ये कहां पर प्रकोप देखा गया इसका? काला सागर में, एजियन सागर, मरमरा सागर या फिर आपका कैस्पियन सागर? तो आंसर हो जाएगा मरमरा सागर, जो कि टर्की में है, टर्की, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, सी आंसर। अगला देखिए, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अंतर्गत वर्ष 2022 से 25 के मध्य 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के माध्यम से लगभग कितना मुद्रीकरण क्षमता की अनुमान लगाया गया है? 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़? तो आंसर हो जाएगा 6 लाख करोड़ का, ठीक है, बी आंसर। अगला देखिए, बजट 2021-22 के अनुसार आय के स्रोत हैं जो, उसमें उनको आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे ज्यादा आय का स्रोत कहाँ पर है? उधार वगैरह जो अन्य देयताएं हैं उनसे होता है, ठीक है, उधार से कितना होता है? 36%। जीएसटी है जो, उससे होगा आपका 15%, आपका जो आयकर है उससे होगा आपका 14%, और निगम कर है उससे होगा 13%, ठीक है। तो ये सिक्वेंस भी आप याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान को कोविड में कोविड-19 वैक्सीन हेतु कितनी धनराशि का प्रस्ताव दिया गया? आपकी 30,000 करोड़, 35,000 करोड़, 40,000 करोड़ या 45,000 करोड़? तो आंसर हो जाएगा बी, 35,000 करोड़। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 में लगभग कितनी धनराशि की सब्सिडी प्रस्तावित है? 3.50 लाख करोड़, 3.70, 4.50 या 4.70 लाख करोड़? तो आंसर हो जाएगा बी, 3.70 लाख करोड़ फिगर है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, खाद्य सब्सिडी है जो सबसे ज्यादा मिलती है, खाद्य सब्सिडी, उसमें 65.65%, ये भी डेटा आपको याद रखना है। उसके बाद यूरिया सब्सिडी है जो, उसमें आपको 15.89%, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद पोषण आधारित सब्सिडी है जो, पोषण आधारित सब्सिडी में 5.61%, और उसके बाद लघु अवधि के ऋणों पर ब्याज सब्सिडी मिलती है जो, लघु अवधि के ऋणों पर मतलब स्मॉल टाइम के जो डेप्ट होते हैं उन पर, ठीक है, तो उसमें कितनी? 5.26%। और एलपीजी सब्सिडी है जो, ये भी पूछ लेगा, एलपीजी है 3.80%, ठीक है। फिगर्स कुछ देख लीजिएगा यहाँ पे, ये टोटल फिगर जरूर याद रखिएगा, 3.70 लाख करोड़, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देख, केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रमुख योजनाओं को आपको घटते हुए व्यय के अनुसार, ठीक है, व्यय के अनुसार उनके घटते क्रम में लगाना है। तो मनरेगा का तो सबसे ज्यादा है, ठीक है, एक तो देखिए सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस आप याद कर लीजिए, फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, बस फिगर आप इन दो का देख लीजिए। मनरेगा का है जो याद रह जाएगा 73,000 करोड़, और इसका 65,000 करोड़, ठीक है, बाकी इन दोनों का याद रखने की जरूरत नहीं है, 50011 और इसका है 37130, ठीक है, ये दोनों आप एक बार को ये वाला ध्यान रखिएगा बस, मनरेगा वाला, ठीक है, और सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, मनरेगा, पीएम किसान, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, हाल ही में घोषित मित्र योजना है जो, उसका संबंध किससे है? किसानों को खेती के संबंध में कंसल्टेंसी सेवा उपलब्ध कराना, औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित मजदूरों को बीमा कंसल्टेंसी सेवा उपलब्ध कराना, पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों को आवश्यक उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, या फिर वस्त्र उद्योग में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने हेतु निवेश आकर्षित करना, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, वस्त्र उद्योग में निवेश करना, ठीक है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, क्या फुल फॉर्म? मेगा इन्वेस्टमेंट, एम से मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, मित्रा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आईएमएफ के अनुसार 2020 में वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 3.5% की कमी हुई है, ठीक, सही है। और दूसरा देखिए, विश्व बैंक के अनुसार 2020 में वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 4.3% की कमी हुई है, दोनों फिगर याद रखें, सी आंसर। अगला देखिए, केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? आपके 1.4, 2.4, 3.4 या 4.4? तो आंसर 3.4%। अगला देखें, वर्ष 2019-20 में कुल दालों के उत्पादन में शीर्ष उत्पादक राज्यों को घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान, ठीक है, तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपका, इस बार उल्टा है थोड़ा सा, राजस्थान, फिर इस बार महाराष्ट्र, और फिर आएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, तो टॉप किया है कि ये वाला पूछेंगे, टॉप है राजस्थान, ठीक है, तो आंसर लगेगा यहाँ पर आपका डी, 3-2-1। अगला देखिए, वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न के उत्पादन में सिर्फ उत्पादक राज्यों को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर आ जाएगा आपका यूपी, फिर आ जाएगा आपका एमपी, और फिर आ जाएगा आपका पंजाब, ठीक है, तो इसके सीक्वेंस के हिसाब से 1, 3 और 2 बी आंसर। अगला देखिए, 2019-20 में कुल तिलहन उत्पादन में शीर्ष उत्पादक राज्यों को घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है,
ठीक है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो अब आप इसको लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा सबसे ऊपर राजस्थान, फिर आपका गुजरात और फिर आपका MP, ठीक है, सही क्रम में है तीनों, तो आंसर ए लगेगा। अगला देखिए, वर्ष 2019 में चावल का जो उत्पादन है उसके शीर्ष उत्पादक राज्यों को घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे आगे आ जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर आ जाएगा आपका UP और फिर आ जाएगा आपका पंजाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला देखिए, अप्रैल से नवंबर 2020 की अवधि में सिर्फ आयात वस्तुओं को उनकी हिस्सेदारी के घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। पेट्रोलियम क्रूड है जो उसका है 14%, ठीक है, 14%, ठीक है, और आपका जो पेट्रोलियम उत्पाद है वो है 6%, गोल्ड है आपका 5.6%, और आपका दूरसंचार उपकरण है जो ये 4.5%, और कोयला या कोक कह लीजिए ये है 4.4%, ठीक है। तो सब सही क्रम में लगा हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3, 4 और 5, डी आंसर। अगला देखिए, अप्रैल से नवंबर 2020 की अवधि में निर्यात की वस्तुओं को उनके हिस्सेदारी के घटते क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। तो औषधि निर्माण सबसे ऊपर आ जाएगा, जैविक मोती बहुमूल्य पत्थर है ये उसके बाद आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन उपकरण इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। पांच का सीक्वेंस लेकिन आप याद रखिए, टॉप पर जो है वो है आपका पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, 8.8, हिस्सेदारी की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे ऊपर है पेट्रोलियम उत्पाद 8.8, फिर आएगा आपका सेकेंड नंबर पर औषधि, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7.1, उसके बाद आपका बहुमूल्य पत्थर है ना, मोती वगैरह, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 5.5, और लोहा और इस्पात है जो इसका है आपका 4.4, और क्या नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन उपकरण इसकी हिस्सेदारी कितनी है 2.9, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों ही सही है, सही सीक्वेंस में आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, भारत में अप्रैल से नवंबर वर्ष 2020 में आयात की दृष्टि से शीर्ष चार देशों को घटते हुए क्रम में लगाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, हांगकांग और संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात, ठीक है, तो इनको लगाएंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपका चाइना, फिर USA, फिर उसके बाद UAE और फिर उसके बाद हांगकांग, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका आपका बी 2, 1, 4, 3। अगला देखिए, भारत में अप्रैल से नवंबर वर्ष 2020 में निर्यात की दृष्टि से सिर्फ चार देशों को घटते हुए क्रम में लगाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, अमीरात और हांगकांग, ठीक है, तो जब आप इनको लगाएंगे तो यही सही सीक्वेंस बैठेगा, ठीक है, यही सही सीक्वेंस में आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, USA, चाइना, UAE और हांगकांग, ठीक है, निर्यात में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के लिए कुल कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है, ये फिगर आपको याद होना चाहिए, पहचान लीजिए इस फिगर को, ठीक है, बाकियों को मत देखिए, बस इसी फिगर को देखिए और पहचान लीजिए, 550270, ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार बजट 2021-22 के अनुसार अधिकतम आय और अधिकतम व्यय के क्षेत्र में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, कर राजस्व और पूंजीगत परिव्यय मतलब कि टैक्स रेवेन्यू और कैपिटल आउटले, और केंद्रीय करों में राजस्व एवं सरकारी वेतन, ठीक है, व्यय कहाँ पर, सरकारी वेतन में, और आय कौन सी में, आपकी केंद्रीय करों में, और उसके बाद केंद्रीय सहायता अनुदान और ब्याज भुगतान और लोक ऋण और पेंशन, ठीक है, तो इनमें से कौन सा युग्म सबसे सही है, इनमें से आंसर लगेगा ए में, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू और कैपिटल आउटले, ठीक, ए आंसर हो जाएगा। इसमें कितना है आय में, इसमें 34.5% इसका शेयर, और पूंजीगत व्यय का 21.1% शेयर, ठीक है, टॉप टॉप वाले बस याद रखने हैं आपको, ये दोनों याद रख लीजिए, आय में आपका कितना है, आपकी कर राजस्व 34.5% और व्यय में पूंजीगत परिव्यय 21.1%, ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है, देखिए याद रखिएगा, KGMU लखनऊ में, राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में और मेरठ में, दोनों सब जगह किया जाएगा, ठीक है, तीनों जगह, तो डी आंसर लगेगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया जाएगा और इसकी स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो देख लीजिए, लखनऊ, बनारस, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर के कारण अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया, तो अब ये क्वेश्चन आएगा और आंसर लगेगा डी, ठीक है, चारों के नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के मुख्य घटकों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इस योजना के हेतु बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है और विपणन हेतु बाजार तैयार किया जाना,
ठीक है, और तीसरा ब्लॉक स्तर पर कृषि उत्पादन संगठनों का की स्थापना, ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक, अगला देखिए, गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाले उत्तर भारत की पहली चीनी मिल है जो, वो कौन सी है, पिपराइच चीनी मिल, बलरामपुर चीनी मिल, गोरखपुर चीनी मिल या देवरिया चीनी मिल, तो आंसर आएगा पिपराइच चीनी मिल, फैक्ट है उत्तर प्रदेश का ये आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, देश में दुग्ध उत्पादन में के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही, और अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो टॉप पर कौन है, इंडिया, ठीक है, जबकि यहाँ लिखा है कि यूएसए है, ठीक, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 में आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया, किसको किसको, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक, और इसके तहत 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य को 3 वर्ष में ही अर्जित कर लिया गया, ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2019 में स्थिर मूल्यों पर और आपके प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर क्रमशः कितनी दर्ज की गई है, 3.8%, 6.5%, 4.8%, 7.5%, 2.8% और 5.5% और 3.8% और 7.8%, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3.8% आपकी जो कांस्टेंट प्राइस पर और 6.5% है जो वो प्रचलित कीमतों पर, ठीक है, मतलब आपके जो करंट प्राइस है। अगला देखिए, मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान, तो आंसर है इसका हम पेपर देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, ए आंसर। अगला देखिए, गौरैया वाले पक्षियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस ये कब मनाया जाता है, 20 फरवरी, 20 मार्च, 20 अप्रैल या 20 मई, तो आंसर हो जाएगा इसका 20 मार्च, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0, ठीक है, इसके अंतर्गत औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना और नए रोजगार अवसर को सृजनित करना, ठीक है, इसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है, और इसको 1 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ माना जाएगा और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि को 31 मार्च 2022 तक विस्तारित, ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 31 मार्च 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य, वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेश को मापने के लिए वित्तीय समावेश सूचकांक की शुरुआत की गई, वित्तीय समावेश सूचकांक ये कौन जारी करता है, ये RBI ना कि वित्त मंत्रालय, इसलिए ये हो गया। दूसरा, इस सूचकांक के अनुसार मार्च 2021 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय सूचकांक है जो वो कितना है, 53.9%, ठीक, तो ये वाला पार्ट सही है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, हाल ही में लखनऊ नगर निगम द्वारा जारी किए गए 200 करोड़ रुपए मूल्य वाले निगम बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर दिया गया, कहां पर, BSE में, ठीक है, यही पूछेगा, लखनऊ नगर निगम आंसर लगेगा इसका, ठीक है। और दूसरा देखिए, नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला लखनऊ देश का नवा शहर हो गया, देश की बात हो रही है, ठीक है, देश का नवा शहर हो गया है, ठीक, तो दोनों पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, NFHS से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, कुल 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 19 में प्रजनन दर है जो वो घटकर कितनी आ गई, 2.1% के स्तर पर आ गई है, सही है, और तीन राज्य कौन सा, मणिपुर, मेघालय और बिहार में अभी भी 2.1 के स्तर से ऊपर है, तो कितनी है, मणिपुर में 2.2 है, मेघालय में आपकी 2.9 है और बिहार में 3.0, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है, सही है, और 21-22 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न, ठीक है, कुल खाद्यान्न आपको याद करना होगा, ठीक है, कुल खाद्यान्न कितना है, 250 मिलियन टन, ये गलत हो गया क्योंकि कुल खाद्यान्न है 150.50 मिलियन टन, ठीक है, टोटल वाला अमाउंट, ये फिगर आपको याद रखना चाहिए, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 में कौन सही समय लेता है, तिल 7307 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक है, मूंग 7275 प्रति क्विंटल और तूर आपका 6300 रुपी प्रति क्विंटल, ठीक है, जो फेमस है, जो सबसे हाईएस्ट है वो तिल ही है, ठीक है, तो खरीफ में, ठीक, तो ये पूछ सकता है, ठीक है, तो ये वाला फिगर आप लिखा याद रखिएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए,
विश्व व्यापार में भारतीय प्रीमियम कपास है, जो उसका क्या नाम है, कस्तूरी कपास, कस्तूरी कॉटन हो गया, भारतीय कॉटन हो गया, देश का कॉटन, इनमें से कोई नहीं आंसर लगेगा कस्तूरी कॉटन। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में सिराखखोंग मिर्च और टामेगलांग संतरा, ठीक है, इसको जीआई टैग दिया है, और ये किस जगह से बिलोंग करते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर लगेगा आपका मणिपुर, बी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में किस विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लैटिनम रेटिंग प्रदान की गई है, कांडला को, ग्रेटर नोएडा को, विशाखापट्टनम को या कोच्चि को, तो आंसर है कांडला को, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के तहत किसको किसको, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, ठीक है, इसको निवेश के लिए विशेष प्रावधान दिए हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 में केवल नोएडा, 17 वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, 17 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे के प्रावधान लक्षित थे, ठीक है, और अभी वाली में बुंदेलखंड और पूर्वांचल, ठीक है, तो पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, अभी 13 सितंबर 2021 को एक एनबीएफसी है जिसका नाम है आपका एनबीएफसी, क्या नाम है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसीएल, ठीक है, इन्होंने क्या कि 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है, ठीक है, तो ये अलग से पूछा जा सकता है, यूरो बॉन्ड 7 साल का यूरो बॉन्ड 300 मिलियन यूरो का किसने जारी किया, पीएफसीएल ने, ठीक, याद रखिएगा, और भारत की ओर से जारी होने वाला ये पहला यूरो मूल्य का ग्रीन बॉन्ड है, ठीक, ये पार्ट भी याद रखें, सी आंसर। अगला देखिए, 7 सितंबर 2021 को कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया, एल सल्वाडोर, मेक्सिको, कांगो या नाइजर, आंसर हो जाएगा एल सल्वाडोर, ए आंसर। अगला देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है, आपका अंकटाड जारी करता है, ठीक, सही स्टेटमेंट हो गया ये वाला, ठीक है, और इसमें जो रिपोर्ट आई है इसके हिसाब से ग्लोबल एफडीआई फ्लो है जो वो कोविड-19 महामारी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित रहा है, ठीक है, तो इस पर ये रिपोर्ट उन्होंने जारी किया अंकटाड ने, ठीक है। अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रभाव मतलब एफडीआई इनफ्लो है जो वो 2020 में भारत विश्व का 5वें स्थान पर था और 2019 की अगर बात करें तो 8वें स्थान पर था, तो ये 5वें स्थान पर था, ये फिगर आप याद रखिएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों ही यहाँ पर सही है, ठीक है, सी आंसर। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक 2020 में जो अभी जारी किया है उसका शीर्षक क्या है, शीर्षक है उसका द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंड प्रोपोर्शन, ठीक, ये सही है, और 2020 की रिपोर्ट में यूएनडीपी ने पहली बार प्रत्येक देश के प्रति प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और उसके भौतिक पदचिन्ह के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नया मापदंड शामिल किया, क्या नाम है ये अलग से पूछेगा, ठीक है, एक नया मापदंड शामिल किया है जिसका नाम है HDI PHDI, ठीक है, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है, पहचान लीजिए इसको, ठीक है, नया मापदंड है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 है जो 2021 में, इसके अनुसार भारतीय कंपनियों को उनकी रैंक के बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो उसके 155th रैंक है, ठीक है, और SBI की आपकी 205 है, आपकी इंडियन ऑयल की 212 है, और ONGC की आपकी 243 है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3 और 4, ए आंसर। अगला देखिए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 है जो मतलब दान देने वाला, ठीक है, तो इसमें 3 घटक हैं इसके, एक तो आपका अजनबियों की मदद हो गया, ठीक है, दूसरा आपका हो गया चैरिटी के लिए दान देना, और तीसरा हो गया आपका संगठन के लिए स्वेच्छा से समय देना, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि शीर्ष कौन है इसमें, ठीक है, तो भारत, चाइना, इंडोनेशिया या जापान, तो सबसे ज़्यादा दानवान इंडोनेशिया ने दिया, सी आंसर। अगला देखिए, अरबपतियों की जो फोर्ब्स सूची है उसमें उसके अनुसार कौन सा कथन सत्य है, अरबपतियों की सूची में विश्व की सबसे धनी महिला लिलियन बेनेटकॉर्ट मैरिज एंड फैमिली है, ठीक, सही है, और उसके बाद भारतीय महिला अरबपतियों में सावित्री जिंदल एंड परिवार, ठीक है, और विश्व के सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, अमेजोन के जेफ बेजोस, और ये चौथा अवसर है जब जेफ बेजोस है जो इस सूची में टॉप पर है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, चारों ही सही है स्टेटमेंट यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, नासा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव में पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण हैंशन क्रेटर किया है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर नहीं किया है, दक्षिणी ध्रुव पर किया है, ठीक है, इसलिए गलत हो गया, और हैंसन उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे, ठीक है, हैंसन जो थे जिनके नाम पर ये किया गया, ये जब नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे जिनका नाम अभी जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने पर इसका नामकरण हैंसन क्रेटर रखा गया है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर
ओनली टू दी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। हाल ही में GSLV F10 EOS-03 का सफल परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सफल कहाँ हुआ, ये असफल हो गया, ठीक है, असफल, ये गलत हो गया। और दूसरा देखिए, EOS-03 है जो प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जल निकायों, फसलों, वनावरण परिवर्तनों इत्यादि में निगरानी में सक्षम उपग्रह था, ठीक है, ये पार्ट सही है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अमेजानिया वन है जो मिशन निम्नलिखित में से किस यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। PSLV C50, C51, C52 या C53, तो आंसर हो जाएगा PSLV C51, ए बी आंसर। अगला देखिए, स्पेस हरिकेन क्या है। अंतरिक्ष तूफान है, अंतरिक्ष का यान है, नया कोई ग्रह खोजा गया है, इनमें से कोई नहीं, तो स्पेस हरिकेन आप याद रखिएगा, यह है आपका अंतरिक्ष तूफान। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 किसने जारी किया है, सर्फ शार्क द्वारा जारी किया गया, ठीक है, और इस सूचकांक में डेनमार्क टॉप पर है और भारत 59th नंबर पर है, ठीक है, तो दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। इस मिशन के माध्यम से भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है, भारत को, ठीक है। दूसरा, सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नामक शब्द की अवधारणा दक्षिण अफ्रीकी रसायन शास्त्री, क्या नाम है, जॉन ब्रॉकिंस ने की थी, ठीक, तो ये बात भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित देशों में से कौन, उनके घटते क्रम में आपको लगाना है, ठीक है, साइबर सुरक्षा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यूके हो गया, एस्टोनिया हो गया और कोरिया हो गया, ठीक है, इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ए आंसर। अगला देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले के प्राचीर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पायलट परियोजना की घोषणा की, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जो डेट है वो है 27 सितंबर, ठीक है, अभी रिसेंट का है, 27 सितंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया था, इसकी जो घोषणा है वो आपकी की गई थी 15 अगस्त 2020 में, ना कि 21 यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर घोषणा वाला ही पूछा गया है, क्योंकि घोषणा जो की गई थी वो भी 2020 में की गई थी, ठीक है, और अभी जो लॉन्च किया गया वो अभी लॉन्च किया गया 27 सितंबर से, ठीक है, तो ये हो गया गलत। दूसरा, इस मिशन में 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रायोगिक चरण में लागू किया जाता है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट सही है, बी आंसर। अगला देखिए, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रारंभ की। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या केरला, तो क्या है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये की है आपके तेलंगाना ने, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 27 जून 2021 को रैबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया, गलत, गोवा बना है, ठीक है। और दूसरा, 2013 में भारत में इस मिशन की शुरुआत हुई जो विश्व में रैबीज का एक हॉटस्पॉट है, ठीक, तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन COVID-19 के टीके भारत में विकसित किए गए। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोरोना वैक, तो ये और ये तो देखिए भारत के हैं, ये आपका चीन का है, ठीक, तो ये वाला गलत हो गया, 1 और 2 आंसर ए। अगला देखिए, प्रथम दुगोंग संरक्षण रिजर्व है जो उसकी स्थापना, उसकी घोषणा है जो किस राज्य में होगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। गोरखपुर वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ठीक है, इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है, और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हेतु 4 बचाव केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, ठीक है, और उत्तर में पिंजौर, मध्य भारत में आपका भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण में हैदराबाद, ये 4 है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, कैसे भी पूछ सकते हैं घुमा के, मेन क्या है, ये पूछेंगे जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, महाराजगंज में, ठीक है, और गोरखपुर वन विभाग के द्वारा, ठीक, आंसर हो जाएगा इसका डी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।